अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी जेब पर छोटी मोटी रेसिपीज़ होती हैं जो कि फटाफट तैयार करो और बस खाते पीते रहो और मोटे होते रहो, वज़न में इजाफा करते रहो। तो कि आज मैं बनाने लगी हूँ KNN के चिकन सॉसेजेस, जो कि ब्रेकफास्ट सॉसेजेस होते हैं। ठीक है, ये बहुत झटपट बनते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय नेशनल कढ़ाई गोश का मसाला। पहली बात यह है कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरी अपनी रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ छोटी छोटी शेयर करती रहती हूँ। और चिकन जायका जो कि आप देख सकते हैं, ये आपको पाउडर चाहिए, बस ये तीन चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं भी होता तो आप नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, पिंक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अलहदा रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये सॉसेजेस मैंने निकाल के ऐसे रख दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल अभी बर्फ़ हुए में, फ्रीज हुए में, और मैंने काट कर इस तरह से ही आपके साथ शेयर कर दिए। बिल्कुल चिप्स की तरह आपने बारीक बारीक काट लेने। सिर्फ हमें सॉसेजेस चाहिए, कढ़ाई गोश मसाला मस्ट है, नेशनल का, बहुत यमी होता है। ठीक है, और ये मैंने मसाला निकाला है 1.5 टी स्पून। ठीक है, ये नेशनल कढ़ाई गोश का, और मैंने 1 टी स्पून ही मेरा ये प्याज है जो कि मैंने काट के, देख सकते हैं आप। बस अब मैं अपने फ्राई पैन में डालूंगी, मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा नॉन स्टिक है। ये मेरे 6 पीसेज हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 5, और 1 मोर मैंने ऐड किया था, ये मेरे 6 हैं। ठीक है, ये चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टी स्पून जो हमने प्याज काटी थी, ये देखें। हल्का हल्का सा, ये आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्का सा बनना शुरू हो गया। जो सॉसेजेस होते हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं। ठीक है, आप हल्का सा अगर आप बॉईल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है ये आप चाय के साथ खा सकते हैं। मुझे जो कि पसंद है ये बिल्कुल क्रिस्पी जले हुए। ठीक है, वो जितने क्रिस्पी होते हैं उतने मज़ेदार होते हैं, तो मैं इसमें ऑयल नहीं डालती। अगर आप लोग तो ऑयल डालना चाहें, 1 या 2 टेबल स्पून आप लोग तो ऑयल डाल सकते हैं, बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये जो मैंने नेशनल का कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं चिकन जायका जो है पाउडर हल्का सा स्प्रेड कर दूँगी, बस दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डालती हूँ, वैसे सॉल्ट डालें तो वह भी बहुत मज़ेदार होता है, अगर ना भी हो तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए ये हमारे बिल्कुल रेडी हो गया, रेडी टू सर्व। जी जनाब, मेरे सॉसेजेस रेडी हो गए हैं, ये देखें, बहुत मज़ेदार। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।